हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। दिल्लियों में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो कि दफन हुए हैं। यह राज्य को दफन किया गया था कि वे दुनिया के सामने न आए, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। वे राज्य जिसे बॉलीवुड की गलियों में दफन कर दिया गया था, वो लोगों के सामने आ ही जाते हैं जैसे भी अपना रास्ता बनाकर बाहर आ ही जाते हैं। आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे ही राज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उस राज से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं जिस राज की हम बात कर रहे हैं। दरअसल वह राज बॉलीवुड की अभिनेत्री के बारे में है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में। आज हम श्रीदेवी के एक राज के बारे में आपको बताएंगे। श्रीदेवी का एक ऐसा राज है जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि श्रीदेवी ने अपने ही भाई से शादी की थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्हें अपने भाई से शादी करनी पड़ी। आज हम आपको उस राज के बारे में बताएंगे और सच खोलेंगे। बॉलीवुड में 80 के दशक में कामयाब अभिनेत्रियों में एक नाम श्रीदेवी का भी था। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की थी और बॉलीवुड में काफी ही जल्दी उनका जादू चल गया था। आपको बात दें कि श्रीदेवी ने बॉलीवुड में काफी सुपरहिट फिल्में भी दी थीं और श्रीदेवी और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने कई सारी फिल्में के साथ की थी जिसकी वजह से दोनों का नाम के साथ जोड़ा जाता था। मिथुन पहले से ही शादीशुदा थे तो वे श्रीदेवी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे और दूसरी तरफ श्रीदेवी को अपनी जिंदगी में एक कमिटेड रिश्ते की तलाश थी। यही वजह थी जिसके कारण मिथुन और श्रीदेवी का रिश्ता टूट गया और आगे नहीं बढ़ पाया। श्रीदेवी के भाई ने इस बात का खुलासा किया है और उन्होंने इस बात को कबूला भी है कि उनकी और श्रीदेवी की शादी हुई है। यह बात सुनकर आप सबको भी हैरानी हो रही होगी कि आखिर ये भाई कौन है जिससे श्रीदेवी ने शादी की है। हम जिस भाई की बात कर रहे हैं वे और कोई नहीं, खुद बोनी कपूर है। बता दें कि बोनी कपूर ने जब श्रीदेवी को पहली बार देखा था तो वे उन पर फिदा हो गए थे। श्रीदेवी और बोनी कपूर उस वक्त मिस्टर इंडिया फिल्म के लिए काम कर रहे थे। मिथुन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने सेट पर ही श्रीदेवी को बोनी कपूर से राखी बंधवा दी थी। उस वक्त बोनी कपूर श्रीदेवी से कुछ भी नहीं बोल पाए थे क्योंकि मिथुन और श्रीदेवी उस वक्त अफेयर चल रहा था। बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी मोना से चुपचाप घर वालों की मर्जी से शादी कर ली थी। कुछ वक्त बाद ही मिथुन और श्रीदेवी अलग हो गए थे और उस समय श्रीदेवी भी बहुत स्ट्रेस में आ गई थी और बोनी कपूर ने उनकी काफी मदद की थी। उस वक्त बोनी ने श्रीदेवी को शादी के लिए मना लिया और दोनों ने शादी कर ली थी। आज दोनों ही एक हैप्पी कपल है और अपनी लाइफ खुशी खुशी एंजॉय कर रहे हैं।